ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। सीएम भूपेश बघेल ने एन चुनाव के पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने पूर्व की तरह इस बार भी किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की। चुनावी प्रचार में सख्ती पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने किसानों का कर्जा माफ के साथ 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने जाति जनगणना के साथ 17.5 लाख परिवारों को आवास देने की भी ऐलान किया है। सीएम भूपेश बघेल ने 75 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर फिर कांग्रेस की सरकार बनाने का भी दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन पर। और अभी तक के राहुल जी आए, पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई छत्तीसगढ़ में हुई, दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी वाला आवास दिए जाए, और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहली किस्त दे रहे ना माना, और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही 17.5 लाख आवास हमन देबो, 20 क्विंटल हमारा धान खरीदो, 3 घोटना में 17 रही कट रहे हैं, अभी तो हमने बहुत अकन गारंटी हो देबो। आज शक्ति में आए हो और आज शारदे नवरात्रि शक्ति के उपासक मन बैठे हो, और शक्ति में किसान ल शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले है आदरणीय, सहजा दीदी बोले है, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी करे गए हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ किसान मन के ऋण माफी हो। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।